वेलकम टू अंजूस कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट फिंगर कुक। और अगर आप मेरे पेज पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आप इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो और फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन कर दो। ये मैंने लिया है 55 ग्राम देसी घी। यहाँ पर मैंने 55 ग्राम देसी घी लिया, इसको मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखकर थोड़ा सा जमा लिया। आप चाहो तो यहाँ पर बटर भी यूज कर सकते हो, मैं देसी घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आधा देसी घी और आधा बटर भी ले सकते हो। 55 ग्राम मैंने ली है पाउडर्ड शुगर, 20 ग्राम आटा जो हम घर में आटा यूज करते हैं वो लिया है, 60 ग्राम मैंने लिया यहाँ पर मैदा, 15 ग्राम जो होता है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट वो लिया है, 15 ग्राम लिया है मैंने मिल्क पाउडर, पिंच ऑफ सोल्ट, मिल्क हमें जितना रिक्वायर्ड होगा हम लेंगे, 1/4 TSP बेकिंग पाउडर और 1/8 TSP बेकिंग सोडा। अब हम ये मक्खन लेंगे और इसमें डाल देंगे हम ये पाउडर्ड शुगर और इसको हम हल्का सा पहले एक बार मिक्स कर लेंगे। जो भी आप बटर लोगे या फिर आप मक्खन लोगे ना, तो बहुत ज्यादा मेल्टेड फॉर्म में आपको इसको नहीं लेना, तो इसको अब हम क्रीमी कर लेंगे। अब ये देखिए हल्का हल्का से क्रीम होना शुरू हो गया है। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर क्रीमिंग होना शुरू हो गया है और इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन अभी हमें इसके कलर को और थोड़ा सा चेंज करना है, तो हम थोड़ा सा और इसको बीटर से करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड विस्कर का भी यूज कर सकते हो। देखिए जो शुगर और बटर है बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से इसका कलर भी है जो चेंज हो गया। इसको हम साइड में रखेंगे और एक दूसरा बाउल हम ले लेंगे और जो हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको हम सीव कर लेंगे। ये आटा, मैदा, सॉल्ट, मिल्क पाउडर और इन सब चीजों को हम पहले छान लेंगे। जो कोकोनट था वो मैं ऐसे ही डाल दूंगी, बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना भूल गई हूँ, तो इसको भी हम डाल देंगे। ये आपको छानते टाइम ही डालना है और बहुत अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर देंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं और हमारा जो वेट थे वो भी रेडी है। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। शुगर और घी लिया था मैंने यहाँ पर, तो शुगर और घी में हम मिक्स कर देंगे और बहुत हल्के हाथों से देखिए हमें इसको करना है। जैसे हम आटा लगाते हैं उस तरीके से हमें नहीं करना, बस सारी चीजों को हमें यहाँ पर जोड़ना है। अब देखिए जो हमारा जो डो है वो काफी टाइट है, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। मैं पहले इसमें 1 टेबलस्पून के अराउंड दूध ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें दूध ऐड करना है, एक साथ में हमें सारा नहीं डालना। हो सकता है कि आपको जरूरत ना पड़े और हो सकता है कि आपके डो को बनाने में 1 या 2 चम्मच दूध का यूज आपको करना पड़े। अभी भी मुझे ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूंगी यहाँ पर। अगर आप एक साथ दूध डाल दोगे तो जो सारा मिक्सचर है वो लूज हो जाएगा और हमारा जो पूरा मेजरमेंट है वो खराब हो जाएगा। आप देख रहे हो मैं इसको किस तरीके से कर रही हूँ, सिर्फ सारी चीजों को मैं आपस में जोड़ रही हूँ। अभी देखिए मेरा जो इसका कुकी का जो डो था बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हो। और इसको मैंने एक बटर पेपर पर ले लिया है, इसको अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा बेल लेंगे। तो मैं इसके ऊपर एक बार और ये रखती हूँ बटर पेपर और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बेल लेंगे। आप ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है। यहां से मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है ये, तो मैं इसको इस तरीके से हाथ से दबा दूंगी। और मेरे पास यहाँ पर है डेसिकेटेड कोकोनट, इसको भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दूंगी। आप चाहो तो इसमें कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका भी, पर मैं इसको बिल्कुल नेचुरल बना रही हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पर मैदा और आटा दोनों का यूज किया था, आप खाली मैदे से भी बना सकते हो और आप आटे से भी बना सकते हो सेम क्वांटिटी में। अभी देखिए मैंने जो सारा कोकोनट था यहाँ पर लगा दिया, आपकी चॉइस है आप कितना यहाँ लगाना चाहते हो। दूसरा अब हम इसके ऊपर हल्का सा बेलन घुमा देंगे,
बहुत प्रेशर नहीं देना, बस हमें इतना करना है कि जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट लगाया था वो इसके ऊपर चला जाए। और इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा शेप देकर और इसको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब देखिए जो हमने इसका कुकी का जो डो था वो फ्रिज में रखा था, बहुत अच्छे से हार्ड हो गया है, तो इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रिज में रखकर सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर फिंगर कुकीज बना रही हूँ तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कट करूँगी। अब ये बहुत लंबी है तो मैं बीच में से एक बार और इसको कट कर लेती हूँ। उधर मेरा ओवन जो है मैंने प्री हीट पर लगा दिया है 150 डिग्री पर, दोनों रॉड ऑन करके। अब मैं इसको इस तरीके से ट्रे में रखती जाऊंगी, बहुत आराम से आपको रखना, थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए। ये मैंने साइड्स के भी इसी में रख दिए हैं क्योंकि इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो सारी हम इस तरीके से रख लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का सिलिकॉन मैट जो है अपने ट्रे में रख। अब देखिए मैंने सारी जो कुकीज थी उनको ट्रे में अरेंज कर दिया है। ओवन मेरा प्री हीट है तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक होने के लिए अभी रख रही हूँ। अब ये देखिए जो मेरी कोकोनट फिंगर कुकीज थी बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं, कितना अच्छा रेड कलर आया, लेकिन अभी ये थोड़ी सॉफ्ट है, जैसे ही अच्छे से ठंडी हो जाएंगी ना बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी। और अभी मैं इसको इसी ट्रे में 1 से 1.5 घंटा छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए, बाद में फिर मैं इसको अच्छे से पैक करके एक किसी एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख लूंगी। और आप इसको बनाइए खाइए, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।